कहाँ जा रहा है? तीन हिरण का शिकार हुआ है और पीएम करने के बाद पता चला है कि कोई एयर गन से शॉट किया है और मल्टीपल वुंड है, इसमें पंक्चर वुंड है और हिमरेजेस से पूरे अंदर में। तो सस्पेक्टेड कॉज ऑफ डेथ इसका गन शॉट है और इसमें दो मादा है और एक नर। उम्र क्या है उसकी? नर की उम्र है लगभग 5 साल और एक छोटा बच्चा जो वाला है वो 1 साल, 1 साल से ऊपर का है, लगभग 1.5 साल, और मादा जो है वो 3 साल की है। आपका नाम? मेरा नाम है डॉक्टर अनिश कुमार सोनवानी, मैं यहाँ पर पशु चिकित्सक के रूप में पोस्टेड हूँ वन विभाग की तरफ से। कहाँ? 12 नवाबारा में। मामला आपके बैरियर में रवान से जैसे पार होता है तो इसका समय कितने बजे है जो इसको प्रवेश दिया जाता है? प्रवेश देने का तो हम लोग उसे नियंत्रण रखते हैं कि सूर्यास्त के बाद ना दिया जाए जी, परंतु क्योंकि ये पर्यटक स्थान है, कई लोग की बुकिंग रात में भी रहती है तो लोग आते हैं, परंतु ये जो घटना हुई है इसमें जो आरोपी लोग जो पकड़ाए हैं इनकी गाड़ी करीब 4:45 बजे यहाँ एंट्री हो गई थी। इसमें रात में इनके द्वारा करीब करीब 8:30 बजे के आसपास शिकार किया गया है और हमको करीब 10:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि ऐसा कुछ यहाँ पर है संदिग्ध स्थान में। हमारे देवपुर के स्टाफ परिषद के अधिकारी और 12 नवाबारा परिषद के अधिकारी कर्मचारी गश्त में थे, उनको बताया गया कि यहाँ पर कुछ संदिग्ध स्थिति में गाड़ी है। मेरे को खबर करें, मैं भी मौके पर तत्काल पहुँचा और वहाँ चेक किए, बोरी खोल के देखे, पीछे डिक्की में बोरी में रखा गया था, बोरी खोल के देखे तो उसमें 2 हिरण मृत अवस्था में पाया गया जिसको गला को काट करके वो बोरी में भर के ले जाया जा रहा था। तो मौके पर ऑन स्पॉट पकड़े, जिसमें एक आरोपी जो नरेंद्र पटेल है, गाँव नानबारू सिरपुर के पास का गांव का है, वो उसमें मौके पर ही रंगे हाथ पकड़ाया। सर एक मिनट, जैसे कि वहां से पर्यटक लोग आते हैं तो क्या आपके विभाग के द्वारा गाड़ी का डिक्की चेक किया जाता है? हाँ, कराया जाते हैं। तो क्या इस गाड़ी का चेक हुआ था? गाड़ी इसमें जो है 4 बजे के आसपास निकली थी, तो इसमें ऐसा कोई नहीं है कि 100% चेक करें, रेंडम चेक किया जाता है, सभी का गाड़ी का चेक नहीं कराया जाता, इसका शायद नहीं चेक। परंतु जो इसमें एक संदिग्ध बड़ी चीज़ हमको पता चल रही है कि इसमें हमारे एक वन विकास निगम का एक स्टाफ है वो भी इसमें संलिप्त है, और जैसे ही होगी उसकी पुख्ता होगी उसकी जानकारी उसके पर। सर नाम बताएंगे? सर वन विकास निगम का जो कर्मचारी है उसका नाम है फारूकी, जावेद फारूकी। कल मैं महासमुंद से घर जा रहा था तभी मेरा दोस्त जावेद फारूकी मिल गया मेरे को कुसेराडी में, फिर वो बोला भाई मेरे को घर जाना है, बहुत दिन हो गया मैं घर नहीं गया हूँ, बोला बाहर उसका घर है तो मैं भी चलो करके साथ देने के लिए आ गया साथ में। फिर वो आते आते अपने साथ एक दोस्त ले आया उसेरा से। दोस्त का नाम आपको कैसे मालूम? उसका दोस्त है बोल के तो साथ में खुद बिठाया सर मेरे कार में, इसलिए मेरे को पता चला कि ये उसका दोस्त है। आपका जान पहचान जावेद से कब से है? 5 साल से। कैसा प्रकार का व्यक्ति था जावेद? फ्रेंडशिप। नशा पान करता था? वो पर्सनली करता सर। आपके साथ नहीं किया है? नहीं किया। चलो आगे बताओ। क्या बताऊं सर, और नहीं रोडी में गया सर, उसमें बैरियर नहीं है। नहीं, चलो और आगे बताओ। उसके बाद वहाँ गए गांव में, फिर थोड़ा से दुकान गए, फिर रिटर्न टाइम आ रहे थे, फिर गांव के इसी पार एक आदमी मिला, फिर रोका, फिर जावेद को बोला कि चलो सामान जोड़ते हैं करके, और दो ठो क्या सामान जोड़ते हैं बोला? कोई सामान नहीं बोला, सामान को लोड करते हैं ऐसे बोला, मेरे को जाने के समय ही बोला था वो। उसके बाद वो लोग सामान लोड किए, मैं सामने बैठा था। क्या सामान था वो? नहीं देख पाया सर मैं, यही मेरी गलती हो गया। आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र पटेल।